नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हैंगिंग बास्केट तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप घर में बैठे आराम से ये बास्केट्स तैयार कर सकते हैं। आपने पहले मेरे जो प्लांट्स देखे हैंगिंग बास्केट्स में, वो मैंने इसी तरह से तैयार किए थे। तो आप भी अगर हैंगिंग बास्केट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए। ये दोनों प्लांट वही हैं जिनकी मैं कटिंग लेकर आई थी अपने साथ। अब ये कटिंग्स अच्छे से चल गई हैं। ये देखिए, टर्टल वाइन तो पूरी फैल गई है और दूसरा प्लांट विंडरिंग जू, उसकी भी ये तीन कटिंग लाई थी, तीनों अच्छे से चल रही हैं। अब इनमें ग्रोथ होने लग गई है तो बढ़िया टाइम है। अब इनको मैं बास्केट में लगाऊंगी, क्योंकि ये प्लांट दोनों बास्केट में लगने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। तो बास्केट भी नहीं है हमारे पास, तो जो घर में बास्केट होती है उसी से हम बनाएंगे आज। और देखते हैं किस तरह की मिट्टी इसके लिए चाहिए, किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। दोनों ही प्लांट्स इंडोर आप लगा सकते हैं, यानी कि बिना धूप वाली जगह पर। धूप थोड़ी सी आए, एक आध घंटा तो इसके लिए बहुत है, लेकिन लाइट अच्छी चाहिए इन दोनों प्लांट्स के लिए। तो मैं बना रही हूँ, ये गोबर का खाद है, इसकी जगह आप कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और मिट्टी मिक्स करूंगी इसमें, और जो रेत होता है वो मिक्स करूंगी। ये थोड़ी सी रस्सी है जिससे हम बास्केट को बांधेंगे, और इस तरह की टोकरी ले लीजिए जो आपके घर में हो, जिस तरह की किसी भी तरह की से बना सकते हैं आप। और ये है कॉटन का कपड़ा जो हम इसमें नीचे बिछाएंगे। तो इसके लिए रेत लिया है, देखिए ये वाला रेत होता है जो हम मकान बनाने में भी यूज़ करते हैं। उसमें थोड़ी थोड़ी सी बजरी भी है, तो इससे ड्रेनेज अच्छा रहेगा। और खाद है और मिट्टी। अगर आप बिल्कुल हल्की बास्केट बनाना चाहते हैं, आपके पास कोको पीट है, तो आप कोको पीट मिट्टी में मिला के भी मिक्स करके, खाद मिक्स करके, तीनों चीज़ों को, खाद, कोको पीट और मिट्टी, इनको मिक्स करके भी बास्केट बना सकते हैं। या फिर आप जैसे कि कोको पीट और खाली कंपोस्ट मिक्स करके भी दोनों को बास्केट बना सकते हैं, उससे बहुत हल्की बास्केट बनती है। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ही कोको पीट है और ना ही वर्मी कंपोस्ट है, तो गोबर की खाद है थोड़ी। और अभी जो खाद मैं बना रही हूँ किचन वेस्ट से, वो भी बना नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट लेंगे। और जब भी आप मिट्टी का यूज़ करें, जैसे कि मिट्टी और खाद मिक्स करके, उसमें रेत ज़रूर मिला लें बास्केट में, जब भी आप बास्केट बनाएं, इससे ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है। और किसी भी प्लांट के लिए ड्रेनेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट ऐसे हैं दोनों ही, इनमें बिल्कुल बहुत कम पानी चाहिए, पानी रुकेगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो रेत मिलाने से बहुत ही अच्छा ड्रेनेज हो जाता है, साथ के साथ प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से फैलती हैं। कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है, आप इस चक्कर में ना पड़ें। मिट्टी का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा लें और रेत और खाद का सेम सेम ले लें, और मिक्स करके आप अपना प्लांट लगा दें। तीनों चीज़ों को बराबर भी ले सकते हैं आप, और या फिर मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा फालतू भी ले सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एकदम आप एक भी गांठ वांठ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी मिक्स करके बना लीजिए अच्छे से। इसमें मैं थोड़ा सा रेत और डाल रही हूँ ताकि अच्छा ड्रेनेज रहे बढ़िया एकदम। और दोस्तों, आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी जिनमें मेरी हैंगिंग बास्केट्स बहुत लंबी लंबी और बहुत सुंदर हो गई थी, वो बिल्कुल इसी तरह से मैंने तैयार की थी। उनकी भी मैं इसी तरह से कटिंग लेकर गई थी और फिर मैंने उनको इसी तरह से लगाया था। तो देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है मिट्टी, अब इसमें बिल्कुल ना ही कोई गांठ है, ना ही बिल्कुल ये हार्ड है मिट्टी, बिल्कुल सॉफ्ट है। ऐसी मिट्टी हमें बना लेनी है। अब हम कपड़े को अच्छे से लगा के इसमें मिट्टी भर लेंगे इस बास्केट में। सबसे पहले किनारों से मिट्टी डालेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए, हिले ना। दोस्तों, हैंगिंग बास्केट में लगने के बाद प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, और कहीं भी हम इनको टांगें, या तो अपने जीने पर टांग दें सीढ़ियों पर, या फिर आप विंडो पर टांग सकते हैं, या फिर आप किसी भी पेड़ पर टांग सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं तो यहाँ पर पेड़ पर ही टांगूंगी, क्योंकि अंदर इतनी लाइट वगैरह नहीं आती है, तो बाहर इतनी जगह है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बास्केट को पेड़ के ऊपर ही टांगूंगी और दिखाऊंगी आपको कैसी लगती है। तो देखिए, ये हमारी बास्केट बिल्कुल भर गई है अब, और अब हम इसमें ये जितनी भी हमारी टर्टल वाइन सारी इसमें लगा देंगे। अगर टूट भी जाती है थोड़ी बहुत, तो ये बहुत ही आसानी से चल जाती है, 4 से 5 दिन में फिर रूट्स बन जाती हैं इसमें, तो वो भी आप लगा दें अगर आपसे कोई टूट जाती है निकालने में। इसकी कटिंग्स बहुत ही अच्छी से चलती हैं, 5 से 7 दिन में इसमें रूट्स आ जाती हैं। तो पूरे हमारे जो बास्केट है उसमें हम इसी तरह से भर देंगे इसको,
और कुछ ही दिन में बास्केट बिल्कुल भर के बिल्कुल नीचे तक लटकने लगेगी। वीडियोस में मैं आपको दिखाती रहूँगी और इसी में से हम और भी बहुत सारे बास्केट्स बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी कटिंग्स लेकर दूसरी में लगा दें तो दूसरी बास्केट तैयार हो जाएगी, उसमें से लेकर और में लगा दें। तो ये ऐसे प्लांट है, इसमें से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए पूरा हमारा लग गया है और अब हम इसमें रस्सी बांधेंगे। पहले तो रस्सी बांधना बहुत आसान है, या तो आप तीन जगह से बांध लीजिए या फिर चार जगह से। तो ये जो इसमें छेद हो रहे हैं चारों तरफ इस बास्केट में, उसमें से मैं निकाल लूँगी रस्सी। और अगर छेद वाली बास्केट नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से छेद कर सकते हैं, गर्म करके किसी भी पेचकस वगैरह को इस तरह से निकाल लें। चारों तरफ से बांधने के बाद बिल्कुल इसको लेवल में करके बीच में एक गांठ लगा दें। अच्छे से कस के गांठ बांधने के बाद ऊपर के हिस्से को मैंने लपेट दिया है ताकि इधर उधर रस्सी ना भागें, और अब हम इसको बांध देंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, बांध के मैंने इसको पेड़ पर लटका दिया है और ये लटकने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। तो इस तरह से आप बास्केट बना सकते हैं और ऊपर पेड़ पर फुल ग्रीनरी है, नीचे जब ये पूरी हैंग करेगी इसमें से बहुत ही लगभग 1.5 से 2 मीटर तक लंबी हो जाती है ये। तो जब ये लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, बास्केट हमारी बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप किसी भी पेड़ पर इसको टांग सकते हैं। मैंने पेड़ पर इसलिए टांगा है क्योंकि एक तो पेड़ के नीचे इसको छाया भी मिलेगी, अच्छी लाइट भी मिलेगी और अच्छी हवा भी मिलेगी। तो इसका पूरा जो भी इसको चाहिए सब चीज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी और छनी छनी सी इसको कभी कभी सनलाइट भी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। तो अभी हम इसमें पानी लगा देंगे और अच्छे से इसको सेट कर देंगे। और जो दूसरी बास्केट है हमारी उसको भी मैं ऐसे ही बना लूँगी और दोनों को इसी पेड़ पर टांगूँगी। तो उसको भी बना के टांग कर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इसका ड्रेनेज कितना अच्छा है। पानी देने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है सारा नीचे से निकल गया है और जो कपड़ा था हमारा कॉटन का वो गीला रहेगा काफ़ी टाइम तक, इससे मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो काफ़ी देर तक नमी बना के रखेगा, और इतनी गर्मी जैसी आजकल है इसमें, ऐसे में हमें इसमें रोज़ पानी देना होगा क्योंकि मैंने इसको बाहर टांगा है। अगर आप इंडोर टांगते हैं तो हो सकता है आपको एक दिन छोड़कर भी पानी देना पड़े। तो बहुत ही सुंदर लग रही है बास्केट और बहुत ही आसानी से आप घर पे इसको बना सकते हैं। दूसरी बास्केट मैं इसी तरह से बना के दूसरी वाली जो इसकी टहनी है उस पर टांग दूंगी पेड़ की। तो बहुत ही सुंदर दोनों बास्केट हमारी लगेंगी। देखिए दोस्तों, दूसरी वाली जो बास्केट है वो भी मैंने बना ली है और उसको मैंने दूसरी वाली टहनी पर टांग दिया है बिल्कुल इसी तरह से। और अभी ये बास्केट थोड़ी खाली है क्योंकि तीन ही मेरे पास इसकी कटिंग थी। अभी जैसे जैसे ये कटिंग्स बड़ी होंगी तो इनमें से ही कट करके मैं चारों तरफ लगा दूंगी तो ये बास्केट भी बिल्कुल पूरी तरह से भर जाएगी। तो इसमें भी पानी दे दूंगी और दूर से आपको एक बार व्यू दिखाती हूँ कैसी दिख रही है बास्केट। देखिए ऊपर बिल्कुल पेड़ पूरा हरा भरा है और नीचे दोनों बास्केट मैंने टांग दी हैं। अभी जैसे जैसे ही बड़ी होंगी तो बहुत ही सुंदर ये व्यू दिखेगा, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।